नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं शारिक खान। कांग्रेसियों को राजनीति में प्रियंका गांधी का इंतजार एक अरसे से था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये ख्वाहिश पूरी भी हुई। प्रियंका ने जोरदार धमक के साथ राजनीति में एंट्री ली। धमक ऐसी कि लखनऊ में हुए रोड शो में एक जन सैलाब मड़ाया। धमक ऐसी कि विरोधी पार्टियों के कान खड़े हो गए। इस धमक का असर सिर्फ लखनऊ में ही नहीं देखने को मिला, एक जगह और थी जहां प्रियंका की एंट्री की चर्चाएं जोरों पर थी। ये जगह थी सोशल मीडिया। जी हां, प्रियंका गांधी ने 11 फरवरी को ट्विटर पर दस्तक दी। दस्तक ऐसी कि 24 घंटे में प्रियंका को 1,40,000 लोग फॉलो कर चुके थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रियंका इस वक्त ट्विटर पर सबसे कम समय में सबसे अधिक फॉलोअर समेटने वाली राजनेता बन चुकी हैं। ट्विटर अकाउंट बनने के आधे घंटे के अंदर ही प्रियंका के 15,000 फॉलोअर थे और इस वक्त उनको 2,00,000 के करीब लोग फॉलो कर रहे हैं। देश में किसी राजनेता की इतनी जबरदस्त दीवानगी देखी कम गई है। इससे पहले एक्टर रजनीकांत ने एक ही दिन में 2,15,000 फॉलोअर बना लिए थे। इसके अलावा 24 घंटों में अमिताभ बच्चन को 37,500 लोगों ने फॉलो किया था, सचिन तेंदुलकर को 25,000, सलमान खान को 19,000 और शाहरुख खान को 11,000 यूजर्स ने फॉलो किया था। आपको हम बता दें कि प्रियंका ने अभी अपने अकाउंट से एक भी ट्वीट नहीं किया है। प्रियंका सिर्फ 7 लोगों को ट्विटर पर फॉलो कर रही हैं। इन 7 लोगों में राहुल गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अहमद पटेल, रणदीप सुरजेवाला का नाम शामिल है। जिस तेजी के साथ एक ही दिन में प्रियंका के फॉलोअर्स बढ़े हैं, उससे ये सवाल पूछा जा सकता है कि राजनीति के मैदान के अलावा ट्विटर पर भी प्रियंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने जा रही हैं। हालांकि प्रियंका को लेकर भाजपा कह रही है कि उनकी एंट्री से सपा बसपा गठबंधन को नुकसान होगा, तो वहीं गठबंधन का कहना है कि इससे भाजपा के वोट कटेंगे। लेकिन विपक्षियों के बयान से एक बात तो साफ हो चली है, नुकसान किसी का भी हो पर प्रियंका कांग्रेस को फायदा जरूर पहुंचाने वाली है।